ये चेक करो आप, वाटर ट्रीटमेंट के हिसाब से पावर बहुत ही अच्छा किया इसका। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे सामने खड़ी है 2024 मॉडल NS 200। इसमें क्या क्या चेंजेस आपको दिखाता हूँ मैं। सबसे मेन तो इसका मीटर कंसोल फुल्ली डिजिटल कर दिया है, ये चेक करो आप। न्यूट्रल का इधर दिया है, अपना चेक लाइट, इंजन चेक लाइट इधर है, ABS लाइट इधर है, प्लस न्यूट्रल का भी गियर पोजिशन इंडिकेटर वगैरह दे दिया है इसमें। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे दी है गाड़ी में। T20 मॉडल है। और आपको दिखाता हूँ आगे का, इसका लाइट वगैरह सब चेंज किया है, आगे पूरा LED कर दिया है। इसके DRLs देख सकते हो आप। बाकी सस्पेंशन तो आपको पता है, ये तो पहले वाले में भी था, आई थिंक इससे पहले जो मॉडल था उसका, जिसमें डिजिटल मीटर नहीं आता। बाकी का टायर सेक्शन सेम वही पुराना वाला ही है, 130 सेक्शन का पीछे का, 110 आगे का। बाकी गाड़ी में ओवरऑल तो उतना कुछ चेंजेस खास किया नहीं है। हाँ, LED इंडिकेटर वगैरह दे दिया है गाड़ी में। तो चलिए अभी इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं चलने में कैसी पावर वगैरह गाड़ी में कैसा है। हाय, धूप इतना है, क्या बोलूं मैं। इसका साउंड नोट एक बार सुन लीजिए आप, साउंड पहले से ज्यादा बेसी कर दिया आई थिंक। ये पावर वगैरह में तो भाई गाड़ी एक नंबर है। रैप करके देखते हैं इसको। भाई पावर तो अच्छा है, ये नहीं बोलूंगा कि पावर खराब है। 200 सेगमेंट के हिसाब से पावर बहुत ही अच्छा किया है इसका। मेरे एरियस का पावर मुझे थोड़ा कम फील होता है, आई डोंट नो, मेरी पुरानी हो चुकी है इसकी वजह से, या फिर क्लच प्लेट का कुछ तो इशू आया होगा, तो चेक करवाना पड़ेगा उसको लेके जाके शोरूम पे। बट मेरे एनएस से पावर इसका ज़्यादा फील आ रहा है मुझे, आई डोंट नो क्यों हो रहा है ऐसा। मैंने मेरे टायर भी चेंज करा रखे हैं पीछे के, 140 सेक्शन कर रखा है इसका, वही 130 सेक्शन वाला टायर है, फिर भी इसका पावर ज़्यादा फील हो रहा है मुझे। बाकी वाइब्रेशन वगैरह में उतना नहीं है, पहले से बहुत ही कम किया इसका वाइब्रेशन, मेरे में इसमें तो बहुत ज़्यादा ही है। तो पावर के मामले में भाई नो डाउट एक नंबर चल रहे हैं। इसका राइडिंग पोस्चर भी अच्छा है, जब से इसका USD शॉक अब्सॉर्बर दिया है उसकी वजह से गाड़ी का मतलब चलने का कंफर्ट थोड़ा और अच्छा हो गया है। बट हाँ, ऑफ रोडिंग वगैरह में थोड़ा खड्डे वगैरह में प्रॉब्लम आता है ऐसा मैंने सुना है बहुत सारे गाड़ियों का जिसका भी USD शॉक अब्सॉर्बर है। अभी इसको तो मैंने उतना भी चलाया नहीं है। ब्रेकिंग वगैरह एक बार आगे चेक करते हैं इसका कैसा ब्रेकिंग है, बिकॉज ड्यूल ABS चैनल दिया है, मेरे वाले में तो सिंगल ही है, फिर भी मेरे गाड़ी का ब्रेकिंग अच्छा है। पीछे का तो नाक के बराबर ही समझ लो, पर आगे का अच्छा है उसका। बीच बीच में गाड़ी झटके दे रही, आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है, शायद ये मिरर वगैरह लगा है इसकी वजह से हो सकता है ऐसा। ब्रेकिंग डिसेंट है, उतना अच्छा भी नहीं कहूंगा बट ठीक है। कि पावर वगैरह पे गाड़ी एक नंबर है, थोड़ा सा इसका हैंडलिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका हैंडल थोड़ा सा तो ढीला है। ये भाई ने अलग से बाहर से लगाया है, मॉडिफिकेशन करवाया है गाड़ी में, इसकी वजह से थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हो रहा है मुझे चलाने में, बिकॉज थोड़ा सा जैसे ही हल्का सा भी उसको छोड़ा तो गाड़ी आगे पुल कर रही है। मेरा कैसा, जो कंपनी का फिटेड है वही अभी तक यूज़ कर रहा हूँ, मेरे गाड़ी को 2 साल हो चुका है, बट मेरे गाड़ी का पावर मुझे थोड़ा सा कम फील हो रहा है इसके मुकाबले। इसको हल्का सा जैसे रैप कर रहा हूँ वैसे गाड़ी उठ रही है। बाकी चलाने में गाड़ी का फील नेक्स्ट लेवल है, 200 CC के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। इसका पीछे का ब्रेकिंग उतना खास नहीं लगा मुझे, आगे का अच्छा है, इतना अच्छा भी नहीं बोलूंगा पर अच्छा है। और इसमें ये चार्जिंग का पोर्ट भी दे दिया है, मैंने
लॉन्ग राइड वगैरह कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, उसका आप यूज़ कर सकते हो। बाकी गाड़ी चलाने में तो ओवरऑल मस्त है, कुछ प्रॉब्लम नहीं गाड़ी में। गाड़ी कितना चल चुकी है, 2621 किलोमीटर चली है। चलिए थोड़ा सा खींचते हैं गाड़ी में और देखते हैं। हाय 120 इजी जाती है, इजी। रोड थोड़े खराब है, वो साइड का रोड अच्छा खींचने के लिए। बाकी गाड़ी का परफॉर्मेंस तो अच्छा है, नो डाउट। अगर आप सोच रहे हो 2024 या 25 में NS 200 लेने के लिए तो नो डाउट आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं गाड़ी में। टॉर्क मस्त है गाड़ी का, अभी तो फुली डिजिटल कर दिया है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे दी है गाड़ी में। आपको दिखाता हूँ, थोड़ा विल्ली करके देखो उठते है क्या। सेकंड गियर पे विल्ली पॉप, हाय विल्ली तो तुरंत उठ रही है गाड़ी। मेरी गाड़ी में विल्ली पॉपअप नहीं होती, आई डोंट नो क्यों होती रही है, पर ये भाई तुरंत उठ रही है तुरंत। ये चेक करो आप, ये चेक करो, तुरंत विली पॉपअप हो रही है। मतलब क्या बोलूं मैं, पावर तो है गाड़ी में नेक्स्ट लेवल। सो गाइस ये है आज का हमारा राइडिंग रिव्यू, आपको गाड़ी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए। कलर ब्लैक प्रेफर करूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। बाकी मुझे बस इसका एक ही डिसएडवांटेज लगा, इसका टायर सेक्शन, बाकी सब गाड़ी में फुल्ली लोडेड कर दिया बजाज वालों ने। मीटर का प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर दिया, बट मुझे पर्सनली बोलूँ तो मुझे पुराना वाला मीटर ज़्यादा पसंद था। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे आपके लिए मैं नए नए ब्लॉग लाता रहूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय श्री राम।